हेलो एवरीवन, आज हम क्लास सेवेंथ का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास सेवेंथ के मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर सेवन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेवन हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जिसमें हम मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास सेवेंथ का मैथमेटिक्स चैप्टर सेवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर जो सेवन है उसमें एक्सरसाइज 7.3 के हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए क्यूब बी प्लस 6ab² माइनस 7ab प्लस 4 टू गेट माइनस 7a² b² प्लस 2aq b प्लस 6ab माइनस 1। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारे पास ये मिल जाए, मतलब ये आंसर आए। तो देखिए हमें पता नहीं तो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखिए लेट नंबर इज इक्वल टू x, देखिए कैपिटल लेटर में इसलिए मान रहे हैं, स्मॉलेस्ट में दिया हुआ है, कन्फ्यूज़न हो जाएगी इसलिए हम कैपिटल में मान रहे हैं पहले ही। तो देखिए अब क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, फ्रॉम दिया हुआ है। तो यानी फ्रॉम में हम क्या करते हैं, में से ही होता है इसका मीनिंग, तो यानी कि दूसरे में से पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो यानी कि दूसरे पे ये है, फिर इसमें से माइनस करना है। तो यानी कि ए क्यूब देखिए क्या दिया हुआ है, ए क्यूब बी प्लस 6a² b² माइनस 7ab प्लस 4। अब देखिए इसमें से हमें क्या माइनस करना है, एक्स को, और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें, माइनस 7a² b² प्लस 2aq b प्लस 6ab माइनस 1। तो देखिए इक्वल के दूसरे साइड हम जब लेके जाते हैं तो साइन क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, जो प्लस में होता है वो माइनस में, माइनस है वो प्लस में। तो देखिए ये माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, मतलब राइट हैंड की साइड जाकर, और ये क्या हो जाएगा, ये इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। जैसे कि देखिए ए की क्यूब बी प्लस 6a² b² माइनस 7ab। अब देखिए इन इसके साइन क्या हो जाएंगे, सभी के इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 7a² b², और ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस 2a³ b, और ये देखिए प्लस का 6ab है तो माइनस का 6ab, और इधर 4 भी दिया हुआ था भैया, या माइनस का 1 है तो प्लस का 1। अब देखिए सोल्व कर सकते हैं हम, देखिए 4 + 1 = 5, और देखिए प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा। अब 7 और 6 माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का, माइनस के 13ab। अब प्लस प्लस के हैं दोनों, साइन प्लस का ही आएगा और ऐड हो जाएंगे 13a² b². अब माइनस का 2aq b है और प्लस का aq b है, तो माइनस हो जाएगी और साइन माइनस का, 2 में से बन गए 1, यानी aq b, और माइनस का बच जाएगा, साइन माइनस का बढ़ा है। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, aq b प्लस 13a² b² माइनस 13ab प्लस 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ ए इज इक्वल टू x² + xy माइनस 6, बी की वैल्यू दी हुई है ये और सी की वैल्यू दी हुई है। अब ये कह रहा है फाइंड करिए ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, देखिए हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की हम वैल्यू रख लेंगे और प्लस कर देंगे। तो देखिए जैसे कि हमारे ए की वैल्यू क्या दी हुई है, x² + xy - 6, फिर दिया हुआ है हमें 6xy - 2x², फिर प्लस का 1 दिया हुआ है। तो देखिए अब सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3x² + 7 और माइनस का 3xy। देखिए जिसके जो बेस है उसी के नीचे हम रखेंगे, जैसे कि xy है तो xy के नीचे xy वाला ही रखेंगे, जैसे विदाउट वेरिएबल है तो विदाउट वेरिएबल वाला। अब देखिए प्लस करना है तो साइन तो चेंज करनी नहीं, जो साइन है वही रहेंगे। अब देखिए 7 और 1 8,
एट में से सिक्स गए टू, प्लस का वर्ड आया तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब देखिए सिक्स और वन सेवन एक्स वाई, सेवन एक्स वाई में से माइनस के थ्री एक्स वाई माइनस करेंगे तो क्या आएगा फोर एक्स वाई प्लस के। अब देखिए थ्री और वन फोर, फोर एक्स स्क्वेयर और माइनस टू एक्स स्क्वेयर करेंगे तो टू एक्स स्क्वेयर, प्लस का साइन बढ़ाया तो प्लस आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स वाई प्लस टू। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है ए माइनस बी प्लस सी। देखिए ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ए की वैल्यू क्या दी हुई है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स। अब देखिए माइनस बी करना है हमें, तो बी की वैल्यू जो है जैसे कि देखिए सिक्स एक्स वाई दिया हुआ है और माइनस टू एक्स प्लस वन, तो देखिए पहले हम सिक्स एक्स वाई रख लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिए टू एक्स स्क्वेयर माइनस का था तो हमने माइनस कर दिया, प्लस का है तो प्लस का। अब देखिए हमें a माइनस बी करना है, तो यानी कि ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे माइनस करने के लिए साइन इंटरचेंज। देखिए जो प्लस का था वो माइनस का है वो प्लस का। अब देखिए माइनस माइनस के दोनों, माइनस का सेवन आ गया और प्लस माइनस माइनस और साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो माइनस का फाइव एक्स वाई आ गया। अब प्लस का टू एक्स स्क्वेयर और थ्री एक्स स्क्वेयर हो जाएगा टू वन थ्री। तो अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स वाई माइनस सेवन दिया हुआ है, अब इसमें हमें सी को ऐड करना है, तो सी की वैल्यू जो है हम उसको ऐड कर देंगे। सी की वैल्यू क्या है थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन माइनस थ्री एक्स वाई, यही है हमारी सी की वैल्यू। तो देखिए माइनस थ्री एक्स वाई, देखिए माइनस थ्री एक्स वाई प्लस सेवन। देखिए प्लस करना है तो साइन इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं, प्लस का सेवन और माइनस का सेवन कैंसिल, फाइव और थ्री दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस का एट एक्स वाई और ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे थ्री सिक्स एक्स स्क्वेयर। तो हमारा आंसर क्या आएगा सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एट एक्स वाई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट ए प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है, तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। पहले ए प्लस बी वाले को ऐड कर देंगे और फिर उसमें से सी की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस सिक्स, फिर हमें ए प्लस बी दिया हुआ है तो बी को ऐड करना है। तो देखिए सिक्स एक्स वाई दिया हुआ है तो सिक्स एक्स वाई, फिर दिया हुआ माइनस टू एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर के नीचे रखेंगे माइनस टू एक्स स्क्वेयर को। अब देखिए प्लस का वन दिया हुआ है तो ऐड करना है, तो कोई चेंज नहीं होगा इसमें, इंटरचेंज साइन तब होते जब हम माइनस करते हैं। तो देखिए माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का सेवन एक्स वाई और माइनस का फाइव। अब देखिए सी को क्या करना है हमें, माइनस करना है, ए प्लस बी माइनस सी था ना, तो ए प्लस बी को ऐड कर दिया, अब सी को माइनस कर देते हैं। तो देखिए सी की वैल्यू क्या है थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन माइनस का थ्री एक्स वाई। अब देखिए हमें साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं इंटरचेंज, जो प्लस का वो माइनस का वो प्लस का। तो देखिए माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस के ट्वेल्व और प्लस टेन एक्स वाई और माइनस माइनस के भी ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का फोर एक्स स्क्वेयर। तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस टेन एक्स वाई माइनस ट्वेल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सब्ट्रैक्ट 16x माइनस 11y प्लस 2z फ्रॉम द सम ऑफ 7x प्लस 6y प्लस z एंड माइनस 9x प्लस 3y माइनस 2z। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का सम में से इसको माइनस करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो देखिए हम कर लेते हैं 7x प्लस 6y प्लस z और क्या दिया हुआ है माइनस 9x प्लस 3y माइनस 2z। देखिए ऐड करना है तो कोई साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए माइनस का 2z प्लस का जेड, यानी माइनस जेड प्लस के 9y 639y हो जाएंगे ना, 9 में 7 गए 2 और माइनस के 2x क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना था, इन दोनों के सम में से, सम तो ये आ गया, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 16x माइनस 11y प्लस 2z। अब देखिए माइनस करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे इंटरचेंज, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, ये माइनस का। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 3z, यहाँ क्या आ जाएंगे प्लस के 20y
और यहाँ माइनस के 18x, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 18x प्लस 20y माइनस 3z। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बाय हाउ मच डज एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 5 एक्स इज 3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। देखिए ये कह रहा है कि इसमें से हम एक्सिस्ट करें तो क्या मिलता है हमें, कैसे हम एक्सिस्ट करेंगे। तो देखिए हम एक्सिस्ट कर देंगे, एक्सिस्ट का मतलब होता है निकालना, मतलब उसके अंदर से, मतलब उसको माइनस कर देना, यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x ए एक्स प्लस 5 और क्या दिया हुआ है 3x स्क्वेयर माइनस 5x दिया हुआ है। तो देखिए 5x दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे नहीं रखेंगे, इसको अलग से रखेंगे। देखिए जिसका जो बेस है उसी के नीचे हम रखेंगे, वरना हम उसको अलग रख देंगे। अब देखिए 5x दिया हुआ है तो हम इसको यहाँ रख लेंगे। अब प्लस का 6 दिया हुआ है तो ये 6 विदाउट वेरिएबल के रख देंगे। अब देखिए माइनस करना है, साइन क्या करने हुए इंटरचेंज, ये प्लस का है तो माइनस का ये प्लस का, नीचे वाले के साइन इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखिए प्लस का 5x और प्लस माइनस 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 का 1 और यहाँ माइनस 2ax और ये माइनस का 2x स्क्वेयर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस 5x माइनस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ p इज इक्वल 3x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 8, q इज इक्वल 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 9 एंड r इज इक्वल टू माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1, शो दैट p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0। देखिए p q r के हमें वैल्यू दी गई है और हमें प्रूव क्या करना है कि p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू क्या हो, 0। हमें जीरो के प्रूव करना है इन तीनों की वैल्यू, तो देखिए इनके तीनों का सम करके, तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को रख लेते हैं, देखिए 3x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 8, फिर देखिए 2x स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 9, ये है हमारी क्यू की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है हमें, अब दिया हुआ आर की वैल्यू माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 1। देखिए बहुत इजी तरीके से हम सोल्व करेंगे, देखिए 8 ए प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं, देखिए 8 प्लस 1 9 माइनस 9 0 एन कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 7x प्लस एक्स 8x, प्लस का 8x और माइनस का 8x यानी वैसे कैंसिल 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा। और देखिए इधर 5x स्क्वेयर प्लस के और माइनस का 5x स्क्वेयर, यानी हमारा आंसर क्या है, 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0, यानी p प्लस q प्लस r को हम ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा आंसर, 0। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो हम प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सिंप्लीफाई। देखिए हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है देखिए 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 8 माइनस फिर इंटू माइनस 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 7 प्लस x स्क्वेयर माइनस 3। तो देखिए हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 8। अब देखिए यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ है तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो हम साइन अंदर क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो जो माइनस का वो प्लस का वो माइनस का, तो देखिए माइनस का है तो प्लस का क्या आ जाएगा, 5x क्यूब, और ये माइनस का है तो ये प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। अब देखिए प्लस के बाहर अगर ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस है तो साइन सेम में ही आएंगे जो दिए हुए हैं, तो प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 3। तो देखिए यहाँ पहले हम प्रूव कर लेते हैं, देखिए इसको उनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्यूब दिया हुआ इधर, यहाँ भी क्यूब है, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 2 7x क्यूब। अब देखिए माइनस का 3x स्क्वेयर और प्लस का 2x स्क्वेयर है तो माइनस का x स्क्वेयर आएगा, 3 में से 2 गए 1 और साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो माइनस में आएगा। अब देखिए एक x स्क्वेयर इधर भी दिया हुआ था, प्लस का x स्क्वेयर, ये इधर आ जाएगा तो यानी कैंसिल, 0 आ जाएगा। अब देखिए माइनस का 8 है और माइनस का 7 है और माइनस का 3 है, तो तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड, तो 7 8 7
15, 15 और 3 18, माइनस के क्या आ जाएंगे 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7x³ - 18। एक बार दोबारा देख लीजिए, देखिए यहाँ ब्रैकेट थी, हमने अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो हम साइन क्या कर देंगे इंटरचेंज, ये माइनस का था प्लस का कर दिया, ये माइनस का था ये भी प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर प्लस थी तो हमने साइन इंटरचेंज नहीं होंगे, तो प्लस का जो प्लस का ही रहेगा, माइनस का हो माइनस का, सेम साइन रहेंगे। तो अब देखिए 2x³ दिया हुआ इधर 5x³, दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर दिए तो क्या आया 7x³। अब देखिए माइनस का 3x² और देखिए माइनस का 3x² है और इधर 2 1 3, मतलब 3x² इधर है, 3 माइनस का 3x² इधर है, तो कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। अब देखिए माइनस का 8, माइनस का 7, माइनस का 3, तीनों ऐड हो जाएंगे और साइन किसका आ जाएगा माइनस का, तो क्या आएगा माइनस 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7x³ - 18। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2 प्लस a माइनस a स्क्वेयर, फिर दिया हुआ है माइनस का 6। देखिए हम क्या करेंगे, पहले इन ब्रैकेट्स को ही सोल्व करेंगे। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। देखिए फिर दिया हुआ है माइनस 3 प्लस 5a प्लस a स्क्वेयर, देखिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 2 प्लस a माइनस a स्क्वेयर, ये माइनस का है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे इंटरचेंज, ये प्लस का है तो माइनस का 6, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 4a स्क्वेयर, अब यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी इंटरचेंज, प्लस का 3 माइनस का 5a माइनस का a स्क्वेयर। तो देखिए अब पहले देखिए हम वेरिएबल जो विदाउट वेरिएबल है पहले उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ माइनस का 6 है और यहाँ 3 है, तो देखिए पहले प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं, 3 और 2 5, और देख लीजिए कहीं वेरिएबल दिया हो, देखिए 3 और 2 5, और इधर माइनस 6 दिया हुआ है, देखिए इधर ये क्या दिया हुआ है, प्लस का 3 था तो इधर आके माइनस का नहीं होगा क्योंकि साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 3। देखिए इधर ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो साइन क्या हो जाएंगे इंटरचेंज। तो देखिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस हो गया, तो देखिए अब प्लस का 2 है और माइनस का 3 है और माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस के ऐड करेंगे, माइनस का 6 माइनस का 3 तो यानी माइनस 9, और प्लस का 2 तो यानी 7 माइनस के, क्योंकि साइन बड़ा किसका है माइनस का। अब देखिए ए वाले देख लेते हैं, देखिए ए के कितने हैं, देखिए एक तो प्लस का ए और एक माइनस का 5 है, तो देखिए और कहीं ए हो, देखिए इधर ये रहा 3a, तो देखिए पहले प्लस प्लस के ऐड कर लेते हैं, 3a प्लस a 4a, 4a में से हम 5a को माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का a, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, 5 माइनस 4 यानी 1, और साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब देखिए a स्क्वायर वाले देख लीजिए, माइनस का a स्क्वायर है, माइनस का 4a स्क्वायर है और माइनस का ही a स्क्वायर है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, देखिए 4 1 5 1 6, तो यानी माइनस 6a स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा माइनस 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 7, इसको पावर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है माइनस 6a स्क्वायर माइनस a माइनस 7। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 कम्प्लीट होने के साथ साथ जो हमारी एक्सरसाइज 7.3 थी वो भी कम्प्लीट हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।